NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. चंदौती थाना क्षेत्र के चूरी बधार गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने से सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार लोगों ने बताया कि पैरिया थाना क्षेत्र के प्रणापुर गांव के युवक प्रमोद कुमार, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, वे शुक्रवार की रात शराब पीने चूरी गांव आया था और शराब पीने के बाद एक किराना दुकान में जाकर उधार में सिगरेट का पैकेट मांगने लगा। दुकानदार उधार नहीं देने पर हथियार का भय दिखाकर डराया, जो शोर मचाने के बाद मौके से भाग गया। घटना के बाद चूरी गांव के लोग प्राणपुर में गए और युवकों के परिजनों को समझा बुझाकर रात में लौटने लगे। लौटने के क्रम में अपराधियों ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिससे लोग भयभीत होकर भागने लगे और अपराधियों ने इसी दौरान छोटू यादव नामक के 55 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में शामिल अपराधियों की संख्या 4 बताई जा रही है। आज सुबह से ही जमकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बवाल काटा है। मृतक दुकानदार का शव सड़क पर रखकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर किसी तरह प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित लोगों को हटाने की कोशिश की है, लेकिन लोगों ने एक न सुनी। उग्र लोग हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहां शराब के भट्टे पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से चलाई जा रही है। शराब की भट्टी पर अपराधियों का आड़ा बना रहता है। को गोली लगा, उनका बड़ा भाई है और मैं उनका भतीजा। ये भी क्रिमिनल आया पहले दुकान में, खिचड़ी पर उसका दुकान था, वो सब आया पहले सिगरेट मांगा। सिगरेट के बाद वो दुकानदार बोला कि भैया पैसा दे दो। पैसा उन लोग बोला कि अरे माधर चो पैसा क्या लो गोली तुम। रिवॉल्वर दिखाया, रिवॉल्वर दिखेला के बाद वो हल्ला लड़का कर दिया। ये दुकान पर था जे हल्ला किया तो कुछ ग्रामीण भी उतावला होकर आए तो रख देला के बाद फिर वो सब ये भी शामिल थे। ये भी पीछे से गए, भी शामिल हो गए ग्रामीण के बीच। तो जब वो गए तो उसका रगते करते गाँव में चले गए। गाँव में कुछ देर बाद विवाद हुआ, समझे ना, तो वो सब पंचायती करके लौट रहे थे। पंचायती करला के बाद लौट रहे थे, उसके बाद वो चार फायर किया। जब था प्रमोद कुमार और दिलीप पासवान, चार फायर किए तो इन लोग आवाताही में नर्वस हो गए। नर्वस डर के मारे इन लोग भागना चालू कर दिए। भागते क्रम में कुछ लोग इधर भागे, कुछ लोग उधर भागे और एक पीछे रह गए। ये बुजुर्ग थे इसलिए पकड़ा गए। तो इनको पकड़ के एकांत में ले जाके इनको डायरेक्ट सटा के गोली मारा हुआ है। कितना गोली? एक गोली मारा हुआ है। क्या नाम है इनका? कितना छोटू यादव नाम है। कितना उम्र है इनका? 62 वर्ष हो रहा है। तो मारने वाले लोग किस तरह के व्यक्ति हैं? मारने वाले एक नम। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।